नमस्ते, ओम नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताऊंगा। अनेक मित्रों ने, अनेक साधकों ने, अनेक श्रोताओं ने यह प्रश्न किया है, तो आज समय है उसका उत्तर देने का कि डिप्रेशन की समस्या से कैसे जूझा जाए, डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप डिप्रेशन या स्ट्रेस, इन दो शब्दों को आपने सुना है, डिप्रेशन मतलब कि तनाव, और डिप्रेशन और स्ट्रेस मतलब अवसाद, ये हिंदी में कहते हैं इनको। अगर आप इन शब्दों से परिचित हैं, अगर आप ने कभी इन समस्याओं का सामना किया है या करते हैं, या आपका कोई जानने वाला इन समस्याओं से ग्रसित है, तो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये है क्या बला, किससे बाहर निकलने की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आपका शरीर, आपके दो हाथ, आपके दो पैर, सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। अंतर सिर्फ होगा आपके सोचने में, आपके सोचने की क्षमता, आपने सोचने का तरीका और आपके सोचने की गहराई बदल जाएगी। वैसे ही दिखने में, जैसे जो लोग मानसिक रूप से बैलेंस नहीं होते, उनका भी वैसा ही शरीर होता है जैसा हमारा है, दो हाथ दोनों पैर, लेकिन वो उस तरह से नहीं सोच पाते जैसे कि हम सोच पा रहे हैं, या उस तरह से अपने विचार प्रकट नहीं कर पाते जैसे कि हम कर पा रहे हैं। तो आज इसकी, डिप्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे हमारे मन के भीतर प्रवेश करता है, क्योंकि शरीर से इसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, और क्या इसके उपचार हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपने एक शब्द जरूर सुना होगा या प्रयोग किया होगा, लोग कहते हैं कि अरे उसने मेरे को स्ट्रेस दे दिया, बहुत मेरे को स्ट्रेस हो गया, बहुत इस बात का स्ट्रेस हो गया। अगर हम स्ट्रेस का शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है दबाना, प्रेस करना, प्रेशर देना किसी चीज़ को, स्ट्रेस देके उसको दबाना। जैसे कहें कि हाँ यहाँ पे स्ट्रेस दे दो, आपने हाथ दबा दिया, इस पे स्ट्रेस दे दिया। तो जब हमारे बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे सोचने के तरीके को कोई बहुत ज़्यादा दबा देता है, इसका मैं बहुत पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ, जैसे माँ बाप की अपेक्षा होती है बच्चा 99% नंबर लेकर आए, हालांकि वो अपने जीवन में कभी नहीं लेके आए, लेकिन ऐसी उम्मीद रखते हैं बच्चे से, तो वो बच्चे को स्ट्रेस हो जाता है, समझ गए, बहुत उसको दबा दिया, बहुत ज़्यादा दबा दिया। आपकी पत्नी आपसे कहती है कि कम से कम 2 लाख रुपए महीने की कमाई होनी चाहिए, अब आप कमा रहे हो 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, जो 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो ना, उससे खुशी नहीं होगी कोई आपको, लेकिन जो मिसिंग 1 लाख है ना, या 50,000 है, उससे स्ट्रेस हो जाएगा कि कमी रह गई, पड़ोसी ने नई कार ले ली, आपने नहीं ली, आप सोचते रहेंगे क्या हो गया, इनसे स्ट्रेस होता है, इन सब चीज़ों से। और डिप्रेशन की जननी कौन है, स्ट्रेस, समझ गए थोड़ा सा आप। पहले तो ये विषय समझाना ही बहुत कठिन है, जब आपको समझ आ जाएगा तो बहुत सारे पेज आपके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी पज़ल जो है ना क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगाना चाहता हूँ इस पे। और दूसरा, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मान लो, या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और उस एग्ज़ाम में हम क्लियर नहीं कर पाते एग्ज़ाम को, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी अपनी खुद की परफॉर्मेंस से, उम्मीद इतनी ज़्यादा थी कि ये तो मैं अचीव कर ही लूँगा, और वो नहीं कर पाए, तो जो वो असफलता का दुख है ना, जो असफलता है, वो एक बहुत बहुत बड़े कारणों में से एक है कि आदमी को, किसी को डिप्रेशन में हो जाता है, वो शिकार डिप्रेशन का, या किसी के साथ आपका संबंध है, किसी महिला या पुरुष के साथ, बस आपने तो समझ लिया
कि अब तो मरना जीना सब उसके संग है और अब तो बस कोई नहीं है, आखिरी व्यक्ति दुनिया में यही है, और किसी कारण से आपसे वो अलग हो जाए या आप अलग हो जाएं या सेपरेशन हो जाए किसी भी कारण से, तो वो जो अवस्था है, ये दो जो केसेस हैं ना मैंने आपको बताए, जो एक तो किसी एग्ज़ाम में या नौकरी का ना पाना या बिजनेस का फेल हो जाना भी, या रिलेशनशिप में सेपरेट हो जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस और डिप्रेशन का। और दूसरी बात, आपको स्ट्रेस हो जाएगा और आप पता नहीं लगा पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि मुझे स्ट्रेस हो गया है। जैसे मैंने आपके कंधे पे थप्पड़ मारा तो आपको कंधे में कुछ महसूस होगा, पता चलेगा, हाँ कंधे में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है किसी कारण से, घुटने में दर्द हो रहा है, अपने शरीर के बारे में आप बता पाएंगे। लेकिन मन की बीमारी ना ऐसी इतनी सरल नहीं है, ना आप उसको खुद बता पाएंगे कि आपको स्ट्रेस है कि नहीं, ना आप उसका स्वयं से इलाज कर पाएंगे। इस बात को समझ लें, आप ना ही मन की बीमारी को खुद पता लगा पाएंगे, ना ही स्वयं उसका इलाज कर पाएंगे, तो दोनों ही के लिए आपको किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। या तो आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी ध्यान गुरु के पास जाएं, योग गुरु के पास जाएं, आप दवाई खाएंगे उसके लिए, दवाई खाने भी कोई बुरी बात नहीं है इसके लिए, और या तो फिर आप ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान तो ऐसा इलाज है इसका, बस दुनिया में कोई दवाई उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और जब आप इस, देखिए सारा अंतर सिर्फ सोच का ही है, मैंने जैसे पहले बताया कि दिखने में तो दोनों हाथ दोनों पैर एक जैसे ही होंगे, लेकिन हमारी सोच है वो ना आपको कुछ काम करने देगी, ना आपको कुछ सोचने देगी, ना कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आएगा, तो सब बेकार लगेगा। नींद नहीं आएगी आपको, भूख नहीं लगेगी, इन सब लक्षणों से ग्रसित तो ना हंसने का मन करेगा और ना ही रोने का मन करेगा। ये भी अद्भुत बात है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दुखी रहता है आदमी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो ऐसे में फिर वो क्या सोचता है कि जब भावहीन हो गया जीवन तब अपने आप को मार लें। इसलिए जब कोई लोग सुसाइड करते हैं तो आप सुनते होंगे, अच्छा वो फलाना आदमी डिप्रेशन में था इसलिए अपने आप को मार लिया, क्योंकि उनको सब कुछ व्यर्थ लगता है, अब तो जीना रह ही नहीं गया, अब तो पैसे नहीं मिले, अब तो पैसे के बिना क्या जीना है, अब तो वो व्यक्ति नहीं रहा, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी या पत्नी थी छोड़ के चली गई, या मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया, अब तो जीवन का रस ही क्या, अब तो जीने का लाभ ही क्या, तो सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है, क्रिएटिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहला कदम, अगर आप स्वयं का स्ट्रेस या डिप्रेशन डिटेक्ट कर पा रहे हैं या ये सब लक्षण किसी और में देख पा रहे हैं, तो उसका उपचार क्या है, उसका समाधान क्या है, सबसे पहला कदम आपने क्या उठाना है, शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाना है, भले ही सिर्फ सैर करके, जैसे ये खुला मैदान है मेरे सामने, इसमें सिर्फ चलो, पार्क कोई ढूंढ लो अपने आसपास उसमें चलो, सड़क के किनारे चलो, चलना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है अपनी। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर की बढ़ेगी तो नेगेटिव विचार पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा, एक तो ये बहुत बड़ा काम होगा। दूसरा, खाना पीना, जितना भी प्राकृतिक खाना पीना है जैसे कि सलाद या फल फ्रूट, जितने ज़्यादा आप खाएंगे, जितने ज़्यादा आप, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रोसेस फूड है, जो पैकेट में बंद फूड कोई भी है, खाना पीना चॉकलेट या कैंडीज़ या कुछ भी जो पैकेट्स में आ रहा है, उसको जितना अवॉइड करेंगे आप उतना ठीक रहेगा। और नंगे पैर आप चलेंगे अगर भूमि पर, कई लोग ये भी मानते हैं हम तो हमारे में कि घास पे नंगे पैर चलने से आंखें तेज होती हैं, उसका भी साइंटिफिक रीज़न बहुत क्लियर है कि जो घास से जो हमारे प्रेस होते हैं पॉइंट्स, उससे आँखों को डायरेक्ट लाभ होता है। तो आँखें हमारा यहाँ लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है मन का स्वास्थ्य,
तो आप जो है घास पर चलना शुरू करें, कुछ ऐसा करें दिन भर कम से कम एक बार पसीना जरूर आए पूरे शरीर में। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, जितना भी आपके पास पैसे हैं ना, जितना धन दौलत है, आपके लिए शून्य हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। मैं अनेक लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कई सालों से मेरा परिचय है उनके साथ, और कई लोगों का फैमिली बिजनेस है। जैसे 20 साल पहले उनका सामान जो है 4-5 शहरों में सप्लाई होता था उनकी फैक्ट्री से, आज वो 15-20 स्टेट्स में सप्लाई होता है, शायद 5-6 साल बाद इंटरनेशनल जाने लग जाए। पहले एक घर था, अब 4 घर हैं, 10 दुकानें हैं, 5 गाड़ियां हैं। ऐसे शायद अपने आप से भी आप रिलेट कर पाएंगे कि 5 साल पहले आप 80,000 कमाते थे, आज 2,00,000 कमाते हैं। इस तरह से आपने उन्नति की ना, देखो जैसे पहले एक घर था, अब 4 घर हो गए, 4 घर से किराया आ जाता है, पैसे की कमाई और हो गई। आप अभी भी अपना वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, शायद थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए होंगे क्योंकि बिजनेस को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है, और वर्कलोड बढ़ गया है। पहले अगर आप ऑफिस में जूनियर थे तो अब सीनियर हो गए हैं, तो काम बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ से भी रिटर्न आ रहा है। लेकिन आप देखो, आप जितना ज़्यादा पैसा कमाते जा रहे हो, आपका जीवन उतना ज़्यादा लगभग लगभग नरक के जैसा होता जा रहा है। बना लिया ना? देखो, बिना पैसे के तो छोड़ो, आपने पैसा कमा के अपना जीवन नरक बना लिया। पहले जितना काम करते थे उससे कहीं ज़्यादा काम करते हो, पहले जितना पैसा था उससे कहीं ज़्यादा पैसा है, अपने लिए टाइम शून्य कर लिया। सुबह 8 बजे सो के उठते हो क्योंकि रात को इतना थक जाते हो तो कैसे जल्दी उठोगे? रात को इतने क्यों थक जाते हो? क्योंकि काम करते हो बहुत ज़्यादा। आपकी संपत्ति जितनी भी है, आपके धन दौलत जितनी भी है, उसका पर्सनली आपको क्या लाभ हो रहा है? ज़रा पूछो तो अपने आप से सवाल, क्या वो सारी प्रॉपर्टी, सारी धन दौलत आपके जीवन को सुगम, आपके जीवन को सरल बनाने में सहायक हुई? जवाब आएगा नहीं। सुबह आप निकलते हो इस उम्मीद से कि आज किसी को दुखी नहीं करूंगा, आज किसी को दुख नहीं देना, आज सबको खुश रखना है, सबसे राम राम जय श्री कृष्णा बोलते हुए चलते हो। लेकिन जब शाम को घर वापस आते हो, उससे भी ज़्यादा थके हुए और लो एनर्जी और नेगेटिविटी से भरे हुए, जिस चीज़ की खोज में चले थे थोड़े उससे और ज़्यादा दूर हो गए। इसका मतलब कि हम निश्चित रूप से गलत डायरेक्शन में चल रहे होंगे, निश्चित रूप से हम गलत दिशा में जा रहे होंगे। तभी तो हमारा लक्ष्य प्रतिदिन हमसे नज़दीक होने के बजाय दूर होता चला जाता है। भौतिक लक्ष्यों को बहुत प्राप्त कर लिया, जैसे मैंने उदाहरण दिया घर का, कार का, पैसे का, बहुत लक्ष्य, भौतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए, शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, अब क्या करें आगे? मन की शांति की तरफ तो थोड़ी सी ऊर्जा लगाई नहीं, मन को कैसे प्रसन्न करें इस तरफ थोड़ा सा ध्यान भी दिया नहीं। आप सोने के सिंहासन पर भी बैठ जाओगे तो भी मन खाली रहेगा। और एक और बात, स्वरों को बदलना सबसे तेज उपाय है डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकलने का। जितना जल्दी आप जितना तेज़ी से स्वरों को बदलेंगे, उतना जल्दी आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। आशा करता हूँ आज मेरी बात से आप सहमत होंगे, अपने आप को साधना में उतारें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।